हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम स्टडी करेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब हम बात करते हैं व्हाइल सॉइल कन्वर्जेशन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब सॉइल हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसे हमें क्यों उसको मतलब सेव करना चाहिए, उसको कंजर्व क्यों करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स होता है वो बहुत तेज होता है एज कम्पेयर टू द प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल ऑफ सॉइल। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अगर हमने जो सॉइल है सॉइल डिस्ट्रॉय या फिर ख़त्म एंड बहुत जल्दी हो रही है एज कम्पेयर टू जो सॉइल का प्रोसेस होता है बनने का। हम लोग सॉइल को बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और सॉइल को जो बढ़ने में कम से कम टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर सॉइल डिस्ट्रॉय हमारी मान लीजिए 10 ईयर्स में होगी, कितने ईयर्स में, 10 ईयर्स में, तो हमारी जो सॉइल नई बनेगी उसे क्या पता 100 साल लग सकते हैं। इसलिए सॉइल का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सॉइल बनती कैसे है। सॉइल होता ही है जो दो रॉक्स होते हैं या फिर कोई भी जो रॉक होता है जब वो इरोड होता है, इरोड मतलब कि उसकी मतलब वो खिसना शुरू हो जाता है और उससे जो छोटे छोटे मैटर से बनते हैं वो सॉइल होती है। और जो सॉइल बनती है, जो जो रॉक्स होते हैं ये कैसे अपने आप इरोड होते हैं, इनका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्लाइमेट की वजह से, काफ़ी तेज विंड्स या फिर वाटर, जैसे वाटरफॉल हो गई उसमें से वो पानी आ रहा है नीचे रॉक्स में से, तो वहां से काफ़ी आपको सॉइल रॉक्स होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से सॉइल बनती है। तो रॉक्स होते हैं सॉइल बनाते हैं जो, और क्लाइमेट बहुत बड़ी हेल्प करता है क्योंकि क्लाइमेट से क्या होता है रेन होती है और फिर क्या होता है वाटरफॉल हो सकता है, साथ ही साथ आपका विंड्स ये क्या करती है वाट उसके लिए हेल्प करती है सॉइल बनाने के लिए। और रिलीफ ट्रेन एंड टाइम, टाइम तो बहुत जरूरी है क्योंकि टाइम विद टाइम ही सॉइल बनती है। 10 साल लग जाते हैं कहीं का सॉइल बनने को, कभी कभार 100 साल लग जाते हैं, हर सबके ऊपर डिपेंडेंट है। तो सॉइल फॉर्मेशन कैसे होगी, अ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय अ पेरेंट रॉक विच इज इरोडेड। मतलब सॉइल किससे बनेगी, पेरेंट रॉक से विच इज इरोडेड, किसकी वजह से इरोड होता है, क्लाइमेट की वजह से या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड किससे बनती है, सॉलिड दो चीज़ों से बनती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और अगर उस सॉइल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेल फॉर्म्ड या फिर वेल डेवलप्ड सॉलिड सॉइल्स। ऐसा क्यों, वेल डेवलप्ड और वेल फॉर्म्ड, वेल डेवलप्ड भी कह सकते हैं। इसका ये रीज़न है क्योंकि जिस सॉइल में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होगी और वो सबसे बेस्ट सॉइल होगी जो हमें मिलेगी। और जो सॉइल में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं सिलिका, क्ले और चॉक। ये अपने आप इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं। जो चॉक होती है हम लोग उसको कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट भी, क्योंकि हम लोग चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्म होता है। मतलब अगर हमारी सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट है और अगर क्ले है, क्ले क्या होता है मिक्सचर ऑफ सिलिका, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ सिलिका। और सिलिका तो ऑलरेडी होता ही है। हम लोग मतलब इनऑर्गेनिक के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, सिलिका, क्ले और चॉक। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो हमारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो है हमारी सॉइल में। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए हमें क्या और चाहिए होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो सॉइल के डिटरमिन बताते हैं कि कितनी फर्टाइल सॉइल है, मतलब कितनी उपजाऊ सॉइल है और वो सॉइल कितना पानी रिटेन कर सकती है, मतलब कितना पानी होल्ड कर सकती है। जो सॉइल सबसे ज़्यादा उपजाऊ होगी वो सबसे ज़्यादा पानी भी स्टोर कर पाएगी। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो ह्यूमस, उन्हें ह्यूमस भी कहते हैं। और जो ह्यूमस होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस पार्ट भी कहते हैं। व्हाट इज ह्यूमस अगर कोई पूछेगा तो हम लोग कहेंगे द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हम लोग क्या कहेंगे, बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या होएगा, ह्यूमस। और फर्टिलिटी कैसे बताएंगे हम लोग, तो हमारी जो सॉइल में सिलिका, क्ले, चॉक और जिसमें फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगी और जो मॉइस्चर सबसे ज़्यादा रिटेन कर पाएगी वो हमारी होगी वेल डेवलप्ड सॉइल या फिर वेल फॉर्म्ड सॉइल। और ये सॉइल सबसे बेस्ट हमारी नॉर्मली होती है एलुवियल सॉइल, जो हमारी सॉइल यहाँ पे हमें मिलती है एलुवियल सॉइल। अब हम लोग बात करते हैं कितने टाइप्स की सॉइल होती है। सबसे पहले होती है सैंडी सॉइल, फिर क्लेट सॉइल और ये लूम सॉइल। ये हम इनको सॉइल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, ये उनके ऊपर होता है कि वो कितना पानी रिटेन कर पाती हैं, वाटर रिटेंटिविटी। और उसके बाद साथ में हम लोग ये देखते हैं कि उसमें सैंड कितना होता है और क्ले कितना होता है, उसके हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि ये सॉइल कौन सी सॉइल है। जो सैंडी सॉइल होती है उसमें
60% तो सैंडी सैंड होती है और बाकी आपका जो 10% होता है वो क्ले होता है। तो इसकी वजह से ये जो सॉइल होती है बहुत लूजली पैक होती है और ये वाटर रिटेन कम कर पाती है, वाटर बहुत कैन पास इजली। तो ये वाटर रिटेंटिविटी इस सॉइल की क्या हो गई, बहुत कम। और साथ में जब वाटर इसमें से पास हो जाएगा तो ये फर्टाइल कम होगी, पर हम लोग तब भी इसको एग्रीकल्चर सीजन्स में हम लोग काफ़ी क्रॉप्स राइस वाला यूज़ कर सकते हैं उगाने के लिए। और साथ ही साथ हम लोग दूसरा होता है क्लेट सॉइल। क्लेट सॉइल क्या होती है, उसका नाम से हमें पता चला है कि इसमें क्ले सबसे ज़्यादा होएगा, तभी 60% ऑफ क्ले होता है इस सॉइल में। और ये बहुत स्टिकी होती है और जिसकी वजह से स्टिकी और ये मॉइस्चर रिटेंटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। हाई वाटर एंड वाटर की जो रिटेंटिविटी है एक्सट्रीमली हाई होती है, क्योंकि 60% आप देख सकते हैं वाटर ही वाटर है इसमें, इसमें 60% क्ले ही क्ले है। और हम लोग अब बात करते हैं कि इसकी फर्टिलिटी बढ़ाएंगे कैसे। अगर हम इसमें चौक ऐड कर दें, चौक ऐड कर दें मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर दें, तो इसकी क्या होगी, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। लूम सॉइल वो होती है जिसमें सैंड और क्ले होता है और ये मिक्सचर होता है, मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं अगर सैंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सैंडी लूम बन जाएगी और अगर क्ले बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्लेड लूम बन जाएगी। तो हम लोग इसको परफेक्टली नहीं कह सकते, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कितना सैंड है इसमें और कितना क्ले है। अगर सैंड ज़्यादा होता है तो सैंड लूम ही बन जाती है और अगर क्ले कम होएगा तो क्लेड लूम ही बन जाएगी। पर तब भी इसके अगर सैंड और क्ले का राइट मिक्सचर रखें तो ये फर्टाइल सॉइल भी बन सकती है और इन सबसे ऊपर दोनों सैंड और क्लेट सॉइल से सबसे ज़्यादा अच्छी फर्टाइल सॉइल ये लूम सॉइल बन सकती है। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल सॉइल इज नोन एज फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेनुडुएशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस। मतलब अगर आपकी ये सॉइल की ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है और बाकी के नीचे की लेयर्स हैं और अगर इस वाली लेयर को हमने रिमूव कर दिया बाय विंड, एनिमल्स, ह्यूमंस, रेनफॉल, किसी से भी, तो क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। क्योंकि जो टॉप सॉइल ही होती है वही सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि हम लोग टॉप सॉइल की लेयर पे ही हम लोग अपने एग्रीकल्चर जितना भी यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। और अगर यही सॉइल अगर नहीं होगी तो फिर हमारा एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वेस्ट लैंड बन जाएगा। तो इसलिए अगर टॉप सॉइल का रिमूव होएगा तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और सॉइल इरोजन कैसे होएगा, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर में भी हम लोग तीन टाइप में डिस्क्राइब करेंगे, स्प्लैश, शीट और गली। स्प्लैश होता है कि मतलब रनिंग वाटर से हम लोग कैसे सॉइल को ख़राब करते हैं, सॉइल मतलब कैसे इरोड करेंगे। स्प्लैश में ये होता है जैसे अब देखते हैं एक बार कई बार बारिश आती है जो कम होती है और जो मोटी मोटी बूंदें गिरती हैं उसकी वजह से क्या होता है, जैसे सॉइल में गड्ढे हो जाते हैं हल्के हल्के, उसे कहते हैं हम स्प्लैश इरोजन। अगर मैं आपको डिफाइन करेंगे, द सॉइल हैज स्मॉल होल्स ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ हैवी रेनफॉल्स, हैवी ड्रॉप्स, हैवी हेल स्टोन्स। अगर हेल स्टोन्स भी हो जाएंगी, बर्फ भी गिर जाएगी, उसकी वजह से भी स्प्लैश इरोजन हो जाएगा, सॉइल में गड्ढे हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शीट इरोजन। इट इज़ अ रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट सॉइल कम्प्लीटली, जहाँ पे टॉप मोस्ट सॉइल बिल्कुल हट जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, शीट इरोजन। और उसमें जो सरफेस होता है पूरा रिमूव हो जाता है। शीट इरोजन और गली इरोजन बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं सॉइल पे, और जो स्प्लैश होता है वो बहुत कम डालता है, पर ये जो होता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं। सेम गली होता है, गली इरोजन में भी जैसे एकदम पानी का मतलब पूरा फ्लो आ जाए बारिश का जैसे, और एकदम जैसे हम कुछ वेजिटेशन नहीं है और एकदम पूरा पानी आ जाए फ्लो पूरा हेवी एरिया से, मतलब ये आपकी अगर हिल है और अगर हमने पूरा एक वाटरफॉल सा आ जाए और पूरी सॉइल इरोड हो जाएगी, उससे हम क्या कहेंगे, गली इरोजन। ये बहुत बड़े इम्पैक्ट डालते हैं और ये सॉइल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय सा कर देते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, या फिर उसको वेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि स्प्लैश इरोजन हम लोग कंटिन्यू कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि स्प्लैश इरोजन हम लोग ट्रीज उगा लेते हैं या फिर हम लोग काफ़ी और मेथड्स यूज करके स्प्लैश इरोजन को हम लोग हटा सकते हैं। अब दूसरा होता है विंड्स। अगर काफ़ी तेज़ हवा चलती है तो फिर तब भी विंड से हमारा सॉइल इरोड हो जाती है। ओवर गेजिंग, ओवर गेजिंग हम लोग अगर एक जगह काफ़ी एनिमल्स को, शीप्स, काव, उन सबको अगर गेज करने को छोड़ दे, जिसकी वजह से सॉइल ख़राब हो जाती है। अगर ये एरिया में मैंने काफ़ी शीप वाला एनिमल्स यहाँ पे छोड़ दिए हैं गेज करने के लिए, तो जो एनिमल्स जब उस ग्रास को पिक करते हैं तो साथ में पूरी सॉइल भी ऊपर हट जाती है, जिसकी वजह से ओवर गेजिंग होती है। मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स वाला की वजह से हमने सॉइल को और रिमूव कर दिया है और हमने पेड़ काट दिए हैं, उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है अभी भी, क्योंकि पेड़ जो होती है उनकी रूट्स वो सॉइल को, या अगर ये पेड़ की रूट्स है तो सॉइल को होल्ड करती है, हमने जब पेड़ ही काटे तो रूट्स ही नहीं बची तो सॉइल होल्ड नहीं हो पाती, सॉइल बहुत लूज हो जाती है और विंड वाला से वो रिमूव हो जाती है टॉप मोस्ट लेयर।
एनिमल्स एनिमल्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं सॉइल इरोजन में। वो काफ़ी आपको देख सकते हैं, जैसे वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो ग्रास रिमूव कर देते हैं जिसकी वजह से टॉप मोस्ट लेयर मूव रिमूव हो जाती है। प्लांट्स प्लांट्स हम प्लांट्स कट कर दें जिसकी वजह से सॉइल रिमूव होती है। लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, हम लोग अगर एक खेत पे या एक एरिया पे हम लोग खाली वीट का ही वीट ही उगा रहे पिछले 10 साल से, तो सॉइल क्या होती है उसकी फर्टिलिटी खराब खत्म हो जाती है, और जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। पर अगर हम लोग वीट के साथ कभी टी उगाएं या फिर कॉटन उगाएं तो जिसकी वजह से क्या होगा सॉइल की फर्टिलिटी आती रहेगी और जाती रहेगी, क्योंकि टी और कॉटन या फिर और जो कुछ ऐसे क्रॉप जो सॉइल की फर्टिलिटी वापस लाते हैं तो वो उसकी फर्टिलिटी रिटेन करते हैं और उसकी वजह से सॉइल कभी वेस्ट लैंड में कन्वर्ट नहीं होती है। हम लोग बात करते हैं हम सॉइल कैसे कंजर्व करें, द और से क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। हम लोग फर्स्ट लाइन से करेंगे, एफर्ट मेड बाय द मैन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। मतलब जो हम लोग एफर्ट्स करेंगे सॉइल को बचाएंगे इरोड होने से, उससे हम क्या कहेंगे सॉइल इरोजन। और वो कैसे होएगा, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब हम लोग मोर एंड मोर प्लांट्स प्लांट्स प्लांट करेंगे, और साथ ही साथ चेक ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा हम लोग एनिमल्स जैसे काउ वाला शीप को ज़्यादा ग्रेस करने को नहीं छोड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस, मतलब हम लोग डैम्स वाला बनाएंगे ताकि जो वाटर है एकदम जैसे स्प्लैश वाटर और गली इरोजन नहीं हो पाए और वाटर एक जगह रुक पाए और धीरे धीरे जाए ताकि सॉइल इरोड ना हो पाए। और फिर बेल्स ऑफ ट्री शुड बी प्लांटेड ताकि ट्रीज उगाएं ताकि जो रूट्स की वजह से सॉइल जो ये रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड कर पाएं, और हमारे ट्रीज से काफ़ी एक तो हमें पॉल्यूशन से भी फायदा कम होएगा और हमें पॉल्यूशन कम होएगा और साथ ही साथ हमारे जो नीचे सॉइल है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो प्लांट्स हमें प्लांट करने ही है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। एलुवियल सॉइल क्या होती है, ये सॉइल बनती है बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियम ब्रॉड बाय द रिवर। और ये कैसे होएगा, ये एलुवियम आता है रिवर से, जो मतलब हमारी ये हिल्स हैं ये इरोड करते हुए ट्रांसपोर्ट आता है एलुवियम, ये जो साइड में रह जाता है उससे बनती है सॉइल, और ये हम लोग इधर साइड में जो रिवर बैंक्स पे रह जाती है उसे हम कहते हैं एलुवियम सॉइल। एलुवियल सॉइल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यंग खादर और ओल्ड खादर। अब इस सॉइल में हम लोग कैसे बात करेंगे, ये जो यंग खादर सॉइल होती है ये रिवर बेड पे बनेगी, ये काफ़ी रिच होती है और ये यंग होती है क्योंकि ये हमें अभी लेटेस्ट हमें बनी के अभी मिली है, अभी जैसे रिवर आई नीचे और उसने अपने डिपॉजिट कर दी सॉइल, उसे हम कहेंगे यंग खादर सॉइल। और ये पेल ब्राउन कलर का कॉम्पोजिशन होता है, पेल ब्राउन कलर होती है और ये लोअर रीजन्स में ही फाउंड होती है। जो यंग पर जो ओल्ड भांगर होती है, ओल्ड भांगर सॉइल, इसे सॉरी गलत है, ये इधर इधर हम लिखेंगे ओल्ड भांगर सॉइल। ये क्या होती है, ये पुरानी जो ओल्ड यंग खादर सॉइल होती है ना वो जो पीछे जाती जाती है, जैसे अगर ये रिवर है यहाँ पे हमारी यंग खादर सॉइल है और जो डिपॉजिट होकर पीछे हटती जाती है उसे हम कहते हैं ओल्ड भांगर सॉइल। ओल्ड भांगर सॉइल का कलर डार्क कलर होता है, ये डार्क कलर की होती जाती है और साथ ही साथ ये कम थोड़ी रिच होती है एज़ कम्पेयर टू द यंग खादर सॉइल। और ये अगर हम माने तो 30 मीटर्स रिवर के ये पीछे मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी एलुवियल सॉइल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये एक ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल है जिसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है और ये काफ़ी फर्टाइल होती है। और इसका जो साइज़ होता है ग्रेन साइज़ होता है, ग्रेन साइज़ मतलब एक गेहूं के साइज़ के जितनी एक सॉइल बड़ी हो सकती है। साथ ही रिच होती है पोटैश में और ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये होता है हमारा ह्यूमस। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में ये पुअर होती है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, तो हमें जहाँ पे अगर नाइट्रोजन जिस क्रॉप को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चाहिए होगा वो उसमें पुअर होगी। साथ ही साथ ये राबी और खारिफ क्रॉप के लिए एक्सट्रीमली गुड है और ये पंजाब हरियाणा उड़ीसा में काफ़ी नॉर्मली मिलती रहती है। पर हम लोग अगर बात करें ये एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है क्योंकि, और ये काफ़ी नॉर्थ इंडिया में ये सॉइल काफ़ी फैली हुई है। साथ ही साथ अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो ऊपर वाला रीजन होता है ये तीन कोस में आती है। अगर ये सॉइल है तो सबसे पहले ऊपर होता है अपर सेक्शन, ये वैली में होती है, वैली में मिलेगी। नॉर्मली हमें मिडिल में मिलेगी, जो होगी मिडिल वैली में जो मिलेगी हमें थोड़ी मोटी मिलेगी सॉइल, कोरस मिलेगी, मतलब अपर सेक्शन कोरस होएगा, कोरस या फिर कोरस। मिडिल सेक्शन में जो होगी हमें सॉइल मिलेगी वो मीडियम साइज की मिलेगी। पर जो हम लोग अगर नीचे जाएंगे बिल्कुल जहाँ पे डेल्टा रीजन में,
डेल्टा रीजन में हमें फाइनेस्ट सॉइल मिलेगी, बिल्कुल छोटी और सबसे अच्छी सॉइल, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेन साइज सॉइल, बिल्कुल छोटी। अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल एक सॉइल है जो बहुत मॉइस्चर रिटेन करती है और एक स्टिकी सॉइल होती है। ये ब्लैक कलर क्यों होता है इसका? क्योंकि जो ब्लैक क्रिस्टलाइन सिस्ट होती हैं, ये जो एक रॉक है जिसकी वजह से ये बनी है, ये ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए इसे ब्लैक सॉइल कहते हैं। और ये किससे बना है? ब्लैक बेसिक जेनेसिस से, ये दो रॉक्स है जिसकी वजह से इसका ब्लैक कलर है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। ये फर्टाइल कम होती है क्योंकि मॉइस्चर और स्टिकी होती है, तो वाटर रिटेन बहुत ज़्यादा कर लेती है, पर ये न्यूट्रिशन रिटेन नहीं कर पाती। बेसिकली हम लोग इसको यूज़ करते हैं कॉटन बनाने के लिए, कॉटन की खेत के लिए, और ये रिच होती है आयरन में और पोटैश में, बट पुअर इन नाइट्रोजन, और आप इसको फॉस्फेट्स में भी कह सकते हैं, ह्यूमस में, ऑर्गेनिक मटेरियल में भी। और हमें जब पता है जब इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ही नहीं होएगा तो फिर ये लेस फर्टाइल ऑफकोर्स होएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ वेल डेवलप्ड सॉइल। और डेक्कन ट्रैप रीजन में मिलती है, और डेक्कन ट्रैप रीजन आपका हो गया महाराष्ट्र गुजरात वाला में, महाराष्ट्र हम लोग कर सकते हैं, गुजरात कर सकते हैं, यहाँ पे ये बहुत ईजिली मिल जाती है। और ये इसमें ग्रेवल और सैंड नहीं होता इस सॉइल में, ये सबसे ज़्यादा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ग्रेवल वाला नहीं है, तो ये नॉर्मली तभी स्टिकी सी होती है, अगर सैंड वाला होगा तो ये इतनी सॉइल स्टिकी नहीं हो पाएगी इसलिए। अब हम लोग बात करते हैं रेड सॉइल की। रेड सॉइल कैसे बनी है? ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ एशियंट हार्ड क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन से? मतलब वेदरिंग मतलब जो हमने रॉक्स है उन्हें इरोड करके जो बनी है उसे कहते हैं हम रेड सॉइल। कैसे? कौन से रॉक को इरोड करके? मेटामॉर्फिक रॉक्स और क्रिस्टलाइन रॉक्स को। और ये जो मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, ये किसके चिल्ड्रन है या फिर इनके पेरेंट्स कौन है? एसिड ग्रेनाइट्स या जेनेसिस, ये दो रॉक्स की वजह से। और ये रेड से ब्राउन कलर तक भी जा सकती है। ये रेड सॉइल इसलिए रेड होती है क्योंकि इसमें बहुत आयरन होता है, और आयरन की वजह से इसका रेड कलर आ जाता है, तभी हम इसको रेड सॉइल भी कहते हैं। और इसके हाई आयरन कंटेंट की वजह से ये बहुत पोरस होती है, और ये इसमें पोरस और ये फ्रेजाइल फ्रेबल भी होती है। अब लोग बात करते हैं किसके लिए होती है। क्रॉप्स पल्सेस के लिए, राइस के लिए, कॉटन के लिए, और राजस्थान और बिहार में मिलती है। और अगर हम लोग ये थोड़ी खाली इसमें आयरन ही होता है और ये फर्टाइल कम होती है, अगर हम अच्छे फर्टिलाइजर्स डालें और इरिगेशन अच्छी तरीके से होए तो ये वीट वाला के लिए भी यूज़ हो जाएगी। वीट वाला के लिए कब यूज़ होगी? जब हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे और इरिगेशन अच्छे से होएगा, तो अगर इरिगेशन मॉडर्न मेथड से हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली हमें रेड सॉइल से हम लोग और भी वेज हम लोग अपने और पल्सेस वीट वाला अच्छे से उगा सकते हैं। हम लोग बात करते हैं लीच सॉइल या लैटराइट सॉइल की। ये सॉइल तब बनती है जब और लैटराइट को हम लोग एक और कह सकते हैं ब्रिक सॉइल। इसके काफ़ी नाम है, ब्रिक सॉइल, लैटराइट सॉइल, लीच सॉइल। इसको हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सॉइल है ये अंडर बहुत इसके जो टेम हम लोग कंडीशन है, सॉइल कब बनती है? जब हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स, मतलब बारिश भी है, बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत हाई टेम्परेचर भी है, साथ ही साथ कभी सूखा पड़ रहा है, कभी एकदम बिल्कुल बाढ़ आ रही है, उस रीजन में ये सॉइल बनती है। और ये सॉइल एसिडिक होती है, तभी रेड कलर की होती है। एसिडिक मतलब ये सॉइल में बेसिक मिनरल्स होते हैं वो बिल्कुल, जैसे अगर ये टॉप सॉइल है तो जो बेसिक मिनरल्स है वो बिल्कुल नीचे चले गए हैं, तो अब ऊपर क्या बचा है? खाली एसिड ही एसिड रह गया है और ऊपर कुछ नहीं बचा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू हैवी टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल जितने भी मिनरल्स वाले होते हैं इस सॉइल के नीचे बैठ जाते हैं, और टॉप सॉइल पे खाली एसिड ही एसिड रह जाता है, तो और तभी ये सॉइल बिल्कुल, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल को हम लोग उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते अपने वेजिटेशन वाला के लिए। अगर नॉर्मली यूज़ करेंगे तो खाली रबर और कोकोनट के लिए हम लोग इससे वीट पल्सेस राइस वाला नहीं उगा सकते, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होती है, और क्योंकि इसमें बेसिक्स हम लोग हमें जो हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं वो बिल्कुल नहीं होता। और इसकी टॉप सॉइल चली जाती है, टॉप सॉइल चली जाती है हम लोग क्या कहेंगे? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ड्यू टू हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल इज नोन एज लीचिंग। और इसी की वजह से हम लोग रेड सॉइल कहते हैं, क्योंकि जब इसके ऊपर कुछ नहीं हो जाता तो ऊपर खाली रेड कलर ही रह जाता है। और ये सॉइल खाली रिच होती है पोटैश लाइम में, और किसी में रिच नहीं होती, तभी हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। हम लोग खाली जो ये होती है लैटराइट सॉइल, एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है इसकी कि हम लोग इससे बिल्डिंग मटेरियल बना सकते हैं, क्योंकि ये जो हार्ड सॉइल जैसे आयरन होता है वो जब एक्सपोज होता है एयर में तो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। मतलब जैसे अगर ये सॉइल है आपकी और इसको हमने एक्सपोज कर दिया ऐसे हाई टेम्परेचर ऑलरेडी में,
तो ये क्या होएगी, एकदम बिल्कुल आयरन कंटेंट की वजह से ये बिल्कुल सॉलिड बन जाएगा, जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स। तो इसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी तो होती नहीं है, पर हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स ब्रिक्स वाला के लिए यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, अगर इसकी जो सॉइल है, अगर हम लोग इसमें अगर फर्टिलाइजर्स वाला भी यूज़ कर लें, तो ये बहुत कम इरिगेशन के लिए यूज़ होगी। और जो फर्टिलाइजर्स वाला से हम लोग क्या कर, अगर फर्टिलाइजर अच्छे यूज़ करें और मॉडर्न मेथड्स भी यूज़ करें, तब भी हम लोग क्या बना पाएंगे, खाली रबर और कोकोनट। और ये एरियाज किस में मिलता है, बिहार और केरला में, तभी वहाँ से हमारी जो नॉर्मली ब्रिक्स आती हैं बिल्डिंग मटेरियल की, हमारी बिहार से आती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सॉइल होती है ब्रिक्स सॉइल होती है, जिसकी वो जो हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल वाला से बनती है। और जो प्रोसेस कि जिसमें हम लोग देखते हैं, आपको मैं दोबारा रिवाइज करवाती हूँ, लीचिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द हैवी रेनफॉल वॉशेज अवे द टॉप सॉइल इज नोन एज द लीचिंग प्रोसेस। अब हम बात करते हैं, हमने चैप्टर जैसे कंप्लीट करा है, तो अब आपको इस चैप्टर की एक बार अपनी जो भी प्रिस्क्राइब बुक है उससे आपको रीडिंग लगानी है, साथ ही साथ आपको अपने 10 ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं, वन वर्ड वाला सब जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, और आपको एक बार ये चैप्टर लर्न करना है 10 ईयर्स प्लस बुक से, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लर्न फ्रॉम 10 ईयर्स प्लस बुक, तो आपका चैप्टर डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। मैं जितना पॉसिबल था इस चैप्टर में कंप्लीट करवाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली फॉलो अस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ यू लाइक अ वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियोज विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।